हनुमानगढ़ जिले में प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जिले में महंगाई राहत कैंप की भी शुरुआत की गई है। आज जिले के अंदर इस प्रकार के कैंप सभी ब्लॉक वाइज लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मौका मैना भी किया है और इस अभियान की शुरुआत भी की है। स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार भी इस मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी जनता को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार के द्वारा जो आम जन के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरुआत की हैं उसका उन्होंने व्याख्यान किया है, बताया है और लोगों को जागरूक करने का काम भी इस मौके पर उनके द्वारा किया गया है कि जो सरकार ने मौका दिया है उसको आपको खोना नहीं है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। तो चलिए इस मौके पर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का क्या कहना है, क्या प्रशासन गाँव के संग शहरों के संग और महंगाई राहत शिविरों के अंदर क्या क्या काम होंगे, चलिए सुनाते हैं आपको, सुनिए। कि आज महंगाई राहत कैंप की इनॉग्रेशन है और 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उसका इनॉग्रेशन आज यहाँ हमने किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पूरे ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज आएंगे और अपना नाम जुड़वाएंगे ताकि उनको जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा हो सके। अभी डायलॉग हो रहा है वो सरकार के स्तर पर हो रहा है, पर कुछ लोग वापस आ गए हैं, वो हमारे कैंप्स में हैं, जो नहीं है उनका काम हम कर रहे हैं या जो बाकी कर्मचारी है वो कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि किसी की हड़ताल पे ना जाने या ना जाने से लोगों को फायदा पहुंचाने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान के दौरान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जैसा कि कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा जानकारी दी गई है। कर्मचारियों को लगाया गया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का प्रयास हनुमानगढ़ जिला प्रशासन का रहेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएँ शुरुआत की हुई हैं उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसीलिए इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करना और उनको प्रेरणा देना और उनके जो रुके हुए काम हैं उसको कहीं ना कहीं करने का प्रयास सरकार के स्तर से किया गया है। जिला प्रशासन भी सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस प्रकार के कैंप आगामी दिनों में चलते रहेंगे, लोगों का काम होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का काम इस मौके पर करने का प्रयास रहेगा।